की कानून व्यवस्था कोई भी प्रदेश में देश में एक प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग होता है और उस भूमिका में मैंने गए चार साल पांच महीने हो गए। मैं मेरे नजर से कानून व्यवस्था देख रहा हूं और उसमें कानून के जो भंग के दो अपराध के दो भाग होते हैं। एक भाग ये होता है संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो धाक धपट्टा करके बड़े बड़े लोगों से रिश्वत लेते हैं, तो उसमें कमी आई है। और जो व्यक्तिगत अपराध होते हैं, किसी का रेप किया गया, किसी को मारा, ये व्यक्तिगत अपराध जो है वह संख्यात्मक कम आ रहे हैं, लेकिन और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और यह आवश्यकता मैं क्या देख रहा हूँ, इतना ही नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ निवेश करने के लिए आ रहे हैं, यह निवेशक भी क्यों कब निवेश करते हैं, जब अपने निवेश की हुई जो रकम होती है उससे मुनाफा आएगा तब, और मुनाफा कब आता है इसके लिए दो बातें महत्व की होती है। एक बात महत्व की ये होती है कि 24 घंटे बिजली होने आवश्यक होता है, और दूसरा कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये निवेश आया है उसमें एक लोगों के मन में विश्वास पैदा किया गया है कि यहाँ का कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है। लेकिन समाप्त हो गई है क्या सारी घटनाएं? तो समाप्त नहीं हुई है। समाप्त करने का काम सरकार, पुलिस और जनता सब मिलकर कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुलना में, पहले की तुलना में कानून व्यवस्था सुधरी है।